पाँव की मोच या टखने का उतर जाना, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हमें हर घर में देखने को मिलती है। सो इन दिस वीडियो हम इसका जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होता है वो डिस्कस करेंगे और इसकी क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं वो डिस्कस करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उसामा कुरैशी, अ फिजियोथेरापिस्ट। तो पाँव की मोच या टखने का उतर जाना, इसे हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। ये बेसिकली जो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है। हमारे एंकल में हमारे पास दो लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर और मीडियल। तो ज़्यादातर जो है ये एंटीरियरली जो है ना हमारे पास हमें देखने को मिलती है। एंटीरियर लिगामेंट जो है वो फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो हमें जो है ये ज़्यादातर एंटीरियरली देखने को मिलती है। तो जब भी कोई पेशेंट या कोई भी इंसान स्लिप होता है, या ऑन फील्ड हमारे जो एथलीट्स हैं प्लेयर्स वो स्लिप होते हैं, गिरते हैं, या कोई इंसान स्टेयर्स से गिर जाता है, तो हमारा जो है टखना उतर जाता है और ये इंजरी हमें हो जाती है। तो इसकी अगर हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारा जो एंकल है वो प्लैंटर फ्लेक्जन और इन्वर्जन में चला जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट ना तो प्रॉपर अपना वेट दे के खड़ा हो पाता है और ना ही चल पाता है। सीवियर पेन की कंप्लेन करते हैं पेशेंट्स और उनका जो है गेट डिस्टर्ब हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है पाँव में। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में अगर ग्रेड वन की इंजरी है तो क्रैप बैंडेज, पेशेंट जो है क्रैप बैंडेज का यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ जो है 20 मिनट्स ऑन सेट जब इंजरी होती है तो 20 मिनट्स तक जो है कोल्ड वाटर में अपने पाँव को रखना पड़ता है। उसके बाद अगर ग्रेड टू और ग्रेड थ्री की इंजरी है तो उसमें जो है हमें प्रेशर बैंडेजेस जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, पेशेंट उनका यूज़ करते हैं। और ग्रेड वन की इंजरी में जो है पेशेंट सिर्फ वॉक कर सकता है, नो जंपिंग नो रनिंग। और अगर ग्रेड टू या ग्रेड थ्री की इंजरी है तो उसमें प्रॉपर रेस्ट किया जाता है और अपने पाँव को जो है 12 इंचज़ तक एलिवेट किया जाता है। मीन्स अगर कोई पेशेंट ज़मीन पर सोता है या बेड पर सोता है तो अर्थ लेवल से 12 इंचज़ तक जो है उसका पाँव ऊपर रहना चाहिए, एलिवेट करके रखना पड़ता है।